फिर उसको बात करते हैं सिलोन एनर्जी लिमिटेड की, 10% से ज्यादा की तेजी आज के दिन में आई है यहाँ पर और 100 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आया है। बहुत गजब की रैली है यहाँ पर, लगातार गिरावट थी, आज स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है। बात करेंगे सिलोन के बारे में कि आज रैली के पीछे का कारण क्या रहा है, क्या आगे भी ऐसी रैलियां देखने को मिल सकती हैं, क्या आगे भी स्टॉक तेजी में देखने को मिल सकता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा कहा है कि सिलोन एक ऐसा स्टॉक है जो जब भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा, और वही चीज आज भी देखिए आपको सामने हुई, 10% की तेजी, बेहतरीन रैली, बेहतरीन रिकवरी यहां पर आई है और चार्ट पैटर्न में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बात करेंगे सिलोन के बारे में, बात करेंगे खरीदारी करनी है या नहीं, खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है या नहीं इस स्टॉक में, कैसा रहेगा आगे का मोमेंटम हमारा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, यानी क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है हमारा और जिस तरह से भारत तो अब लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश में है, तैयारी में है, यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अच्छे दिन आने की संभावना बन रही है। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस सिलोन की करें तो सिलोन का जो मोमेंटम रहा है, जो मूड रहा है, आज बहुत ही बेहतरीन दिखा है। ओनली बायर्स का चार्ट ऑलमोस्ट बना है हमारा, यहाँ पर 5.90 रुपए का हाई लगाया स्टॉक ने, 5.96 रुपए की क्लोजिंग आई है हमारे सामने और एक अच्छा मोमेंटम रहा है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग से ही रहा है, यहाँ पर खरीदारी अचानक से आई है, यानी कि कोई बहुत अच्छा बायर यहाँ पर आया है और जिसने यहाँ पर लगातार खरीदारी की है। बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो यहाँ पर एक अच्छी डिलीवरी लगातार बन रही थी, जैसा मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था आपको 20 मई को 54% की अबव 50% डिलीवरी, उसके बाद 53%, उसके बाद 41%, 25 मई को भी 49%, ऑलमोस्ट 50%। तो ऑलमोस्ट एवरेज देखेंगे तो 50% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर स्टॉक में हमेशा रही है, लगातार 50% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर रही है, जो कि एक साइन है कि सिलोन में एक्युमुलेशन का जोन चल रहा था। हमेशा मैंने कहा था आपको सिलोन के चार्ट में कि यार यहाँ पर एक्युमुलेशन का जोन चल रहा है, खरीदारी करते हो तो खरीदारी करो, स्टे करना पड़ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको सिलोन में रिटर्न नहीं मिलेगा। और 10% की रैली आई है और आगे भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा बेहतरीन रहा है, लगातार खरीदारी यहाँ पर हुई है, लॉन्ग टर्म की खरीदारी हुई है, ये सारे नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग वाले नहीं है। तो अगर यहाँ पर 10 मिलियन 13 मिलियन शेयर्स एक एक दिन में खरीदे गए हैं तो 13 मिलियन शेयर्स को लॉन्ग टर्म परपजेज, यानी कि लोगों का भरोसा सिलोन में है, लोगों का भरोसा रिन्यूएबल सेक्टर में है। एक चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टाटा पावर लगातार ग्रो कर रहा है, कारण वही है कि उसका जो रिन्यूएबल सेक्टर का सेगमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। और वही एक चीज अगर आप किसी और कंपनी में देखते हो जो छोटी कंपनी है जिसके पास वही पोटेंशियल है और वो आगे बढ़ सकता है और जिसने अपने आप को प्रूव किया है पहले, सिलोन का अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे 3 साल 4 साल 5 साल पहले उठा करके, तो सिलोन एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। कुछ गलत पॉलिसीज आई इसमें और उसकी वजह से कंपनी बर्बाद हुई जरूर, बट यहाँ पर दोबारा से रिकवरी में है और बहुत तेज रिकवरी में है, तो ऐसे में पैसा लगाना एक अच्छा डिसीजन आपके सामने हो सकता है, ठीक है। बट ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा पैसा लगाइए आप इसमें, जो मेरा रूल है कि पेनी स्टॉक में अगर आपको बाइंग करनी है तो हमेशा 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही इन्वेस्ट करो उसमें, उससे ज्यादा नहीं, पर एक ऑप्शन आपके सामने ये अच्छा है, ठीक है। 10% की बेहतरीन रैली आई है, चार्ट काफी अच्छा बना है। नंबर्स की बात करें अगर हम तो दिसंबर के नंबर्स, Q4 के ऑब्वियसली नंबर आने बाकी हैं, अभी अवेटेड है हमारे सामने। दिसंबर के नंबर्स कंपेयर टू सितंबर थोड़े से खराब आए थे, रेवेन्यू के तौर पे ग्रोथ हुई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा था हमारा, पर नेट प्रॉफिट यहां पर लॉस में गया था, 117 करोड़ का लॉस हमारे सामने आया था। रीजन बीइंग कि यार लॉकडाउन वगैरह से हम बाहर आ रहे थे और उस टाइम पे सेल्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं हो पाए थे। जनवरी से मार्च में हालांकि ऑन द अदर हैंड ठीक ठाक यहाँ पर सेल्स मुझे लगता है कि हुई है और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे सामने अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो एक सवाल हमारे सामने ये भी आता है बहुत पॉपुलर कि यार Q4 के नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, मान लिया फिर से लॉस होता है और लॉस वाइडन करता है तो क्या करना है फिर। देखो अगर आपने बाइंग कर रखी है सिलोन में तो Q4 का रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट देख कर तो बाइंग कर नहीं रखी है, आपने देखा है कि पोटेंशियल क्या है कंपनी का और कंपनी के पोटेंशियल पर आपने पैसा लगाया है, तो Q4 के नंबर्स पोटेंशियल कम थोड़ी कर देंगे। तो वही एक रीजन है कि अगर Q4 के नंबर खराब आते भी हैं, एक साल तो हमारा गया है मार्च 2020 और मार्च 2021, इसको आप नहीं बोल सकते कि इसमें काउंट करने जैसा कुछ है, इसमें डिसीजन लेने वाला कुछ है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत परेशानी हुई और अब ये साल भी ऐसा ही लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि Q4 के ऊपर अपने डिसीजन बेस करके इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है। तो Q4 के नंबर से अगर खराब भी आते हैं तो मेरी बने रहने की सलाह यहाँ पर आपको रहेगी, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि अगर खराब क्वार्टर आता है तो वो भी एक मौका होता है खरीदारी करने का, ठीक है। बात फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ठीक ठाक है इनकी, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। बात ट्रैक रिकॉर्ड की करें तो एक साल में कंपनी ने 116% का रिटर्न दिया है यहाँ पर
और एक महीने में यानी इस महीने में जब बाजार में बहुत वोलेटिलिटी बढ़ गई है उस महीने में भी 32% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो लगातार तेजी में स्टॉक देखने को मिला है, स्लो ग्रोथ है, कंसोलिडेशन के साथ ग्रो कर रहा है, बट ग्रोथ है यहाँ पर। ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि शिलोंग में कंसोलिडेशन के साथ ही सही बट ग्रोथ यहाँ पर लगातार हुई है। दो चार दिन बढ़ता है, उसके बाद 5 से 6 दिन 7 दिन गिरावट होती है, बट उसके बाद दोबारा रिकवरी में आता है और हाइयर हाइज बना रहा है। तो ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न है हमारे सामने, ठीक है। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है, पैसा लगाया जा सकता है। बात चार्ट पैटर्न की करें तो 5.65 रुपए का आपके सामने एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। 6.52 रुपए का आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो आपको वॉच आउट करना है। ये ब्रेक होता है अगर हमारा, तो आने वाले दिनों में हमारा जो स्टॉक है 7 रुपए 7.10 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक में अभी भी बुलिशनेस बाकी है और स्टॉक हमारा अपर साइड को भागता हुआ देखने को मिल सकता है। 65 का आरएसआई है, आरएसआई भी ठीक ठाक मोमेंटम है, स्पेस है अभी, और 6 रुपए तक की रैली यहाँ पर आसानी से, 6.50 रुपए तक की रैली यहाँ पर आसानी से हो सकती है। उसके बाद 102% की गिरावट होगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए सुजॉन एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाइंग करते हो तो शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्ट ना देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सुजॉन को जो सबसे अच्छी चीज सपोर्ट कर रही है वो है बाजार इस समय पर, क्योंकि बाजार में COVID-19 वगैरह के केसेस कम हुए हैं। आज 24 घंटे की बात करें तो पहली बार अब 2 लाख से नीचे हमारे सामने केसेस आए हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हुए हैं। डेथ रेट थोड़ा सा बढ़ा है हालांकि, बट स्टिल यहाँ पर रिकवरी रेट भी बढ़ा है, साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, और तो अच्छी खबरें हैं। ब्लैक फंगस की तरफ से बुरी खबरें हैं हालांकि हमारे सामने, कि ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस दो अलग अलग वेरिएंट आ गए हैं, कलरफुल वेरिएंट आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में मार्केट फंसता हुआ दिखेगा। बट फिर भी ओवरऑल अगर आप बात करो तो मार्केट का मूड भी कहीं ना कहीं अपर साइड की ओर है, बुलिशनेस मार्केट में है, क्योंकि केसेस म्यूकर माइकोसिस से काफी कम है और COVID-19 केसेस अगर कम होते हैं तो म्यूकर माइकोसिस अपने आप ही कम होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं, डरना नहीं है, बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बने रहोगे तो स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा कमा करके जाओगे, ठीक है, तो बने रहो। बाकी FII DII की बात करें तो DII लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, दूसरा दिन था कल जब इन्होंने माल बेचा था। बात करें FII FPI की तो 1000 करोड़ का माल इन्होंने कल खरीदा था, बाजार हालांकि डाउन साइड पर ही देखने को मिला था, बट स्टिल मार्केट का मूड काफी कुछ सुधार रहे हैं ये लोग भी। खरीदारी होती रहेगी तो मार्केट अगर न्यूट्रल टू बुलिश जोन में भी रहता है तो भी एक पुश मिलेगा सुजलॉन को। अच्छी खबरें हैं, भारत जो है वो धीरे धीरे क्योंकि लॉकडाउन से निकलने की तैयारी में है, ऐसे में जो स्टॉक अब तक मंदे पड़े हुए थे, जो सेक्टर अब तक धीरे चल रहे थे, टेक्सटाइल हो गया, रिन्यूएबल हो गया, इंफ्रा हो गया, रियल्टी हो गया, इन सेक्टर्स में एक तेजी देखने को मिल सकती है। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सेक्टर बढ़ेंगे हमारे सामने। दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म में रुकने की सलाह रहेगी मेरी, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग ना करो, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो तो 5% ऑफ टोटल कैपिटल। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो थैंक यू।